तो आज की इस वीडियो में आपको हैप्पी मकर संक्रांति का न्यू स्पेशल स्टेटस वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूं। इस तरह का जो स्टेटस है वो अभी तक किसी ने भी एडिट नहीं किया है, और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा भाइयों के कमेंट भी आए थे, और मैं एडिट करने वाला था लेकिन कुछ काम के कारण मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाया। सो फाइनली आज ये वीडियो आ चुकी। तो प्लीज यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और कॉमेंट में हैप्पी मकर संक्रांति जरूर से लिख देना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। यहां पर आपको ओपन करना है अलाइट एप्लीकेशन को, जो भी प्रोजेक्ट में यूज करने वाला हूं मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जितने भी फोटो में यूज करने वाला हूं मकर संक्रांति के, वो सारे फोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना, सॉरी मतलब फोटो को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की जो लिरिक्स है उसके अंदर हमने दो अलग अलग फॉन्ट का यूज किया, जो कि इंग्लिश फॉन्ट है, और एक जो फॉन्ट का यूज किया वो एक हिंदी फॉन्ट है। तो आपको पूरा फोल्डर दे दूंगा जिसमें आपको तीनों फॉन्ट मिल जाएंगे, और तीनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। बाकी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना है। ओके, यहां पर आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहां पर ओपन कर लेना है सॉन्ग बिट के प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आपके सामने कंप्लीट ओपन हो जाएगा। इसको मैन्युअली मैंने क्रिएट किया है, तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ भी प्रैक्टिकली समझ में नहीं आने वाला है कि क्या करेंगे। तो वीडियो को देखना, मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बता दूंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो लिरिक्स है वो यहाँ पर मैंने डाल रखी है, कमिंग सून और हैप्पी मकर संक्रांति। जो मकर संक्रांति जो लिखा है वो मैंने हिंदी फॉन्ट में लिखा है, मैं आपको वो वाला फॉन्ट दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है 14 जनवरी 2023। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आगे आ जाना है, आपको ऊपर वाले लिरिक्स पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसमें आपको ये बार सिग्नेचर जो फॉन्ट है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको मतलब तीनों फॉन्ट दे दूंगा, आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। मैं आपको बता देता हूं कि फॉन्ट को कैसे इंपोर्ट करना है। यहां पर आपको व्यूअल फॉन्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करके नीचे आपको इंपोर्ट फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहां पर आ जाना है फाइल में, और आप डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे। जहां पर आप फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे तो वो आपके डाउनलोड के फोल्डर में आपके फॉन्ट आ जाएंगे। आप उनको सेलेक्ट करके उसको आपको यहां पर इंपोर्ट कर देना है। ओके, आपको सबसे पहले ये वाला जो सिग्नेचर का फॉन्ट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर वाली जो कमिंग सून की लिरिक्स है इसमें राइट पे आप क्लिक कर देंगे, नीचे कमिंग सून पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक, इसमें आपको ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लिरिक्स की जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी अगर आप फॉन्ट को अप्लाई कर देंगे तो, और इसमें जो भी फॉन्ट आप दे देंगे। और यहाँ पर आपको हिंदी फॉन्ट का यूज करना होगा तो आपको इस लिरिक्स पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पर क्लिकना है। ये वाला हिंदी का जो 180 का फॉन्ट है कृति देव का, ये मैं आपको दे दूंगा। इसको आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर देना है, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देना है। जो आपकी लिरिक्स वो हिंदी में आ जाएगी, नहीं आती आपको स्पेस देना है, लिरिक्स हिंदी में आती है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोटो ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर आ जाना है बरोबर 8:19 पर। यहाँ पर जैसे ये खत्म होती है लिरिक्स, यहाँ पर आ जाएंगे प्लस पे क्लिक करके, मीडिया पे आप क्लिक करके यहां पर आपको अपने फोल्डर में से जो मकर संक्रांति की जितने फोटो में यूज करने वाला हूं दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, एग्रीमेंट बिट पे आपको जाना है, यहां से ज्यादा फोटो कटा देना है, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाना है, वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर आपको क्लिक करना है, दूसरे फोटो को लेना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, और आपको फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, अगले वाले बिट पे आपको जाना है, यहां से ज्यादा फोटो कटा देना है, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाना है, वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, अगले वाले बिट पे आपको जाना है, यहां से ज्यादा फोटो कटा देना है, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाना है, वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। अगर आपको फोटो कटता है तो आप मोमेंट ट्रांसफर फोटो को सेट कर सकते हैं, आगे आएंगे, अगले वाले बिट पे आपको जाना है, यहां से जो ज्यादा फोटो उसको आप हटा देना और फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाना है। ओके, वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, अगले वाले बिट पे आपको जाना है, यहाँ से ज्यादा फोटो कटा देंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे, वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, अगले वाले बिट पे आपको जाना यहाँ से ज्यादा फोटो कटा देना है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको लास्ट तक सारे फोटो को कंप्लीट ऐड कर देना है। हर फोटो की साइज आपको बीट के हिसाब से रखनी होगी, यहाँ पर डबल डबल बीट आने वाले तो इनको आप छोड़ देंगे, और यहाँ पर आपको फोटो की साइज को मतलब बीट के हिसाब से सेट करेंगे। एक तो इस तरीके से आपको सारे फोटो को कंप्लीट ऐड कर देना है। मैं यहां पर सारे फोटो को कंप्लीट ऐड कर देता हूं। ओके, वेट,
सो फाइनली यहाँ पर मैंने कंप्लीट फोटो को ऐड कर दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोटो कंप्लीट ऐड हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इन सभी फोटो में अलग अलग इफेक्ट का यूज आपको करना होगा, तो वो आपको वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले यहाँ जो हमने लिरिक्स ऐड की, यहाँ पर हमने कुछ पतंग पीएनजी का यूज किया, जो कि ऊपर उड़ती हुई दिखी, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर बाकी जो सब कुछ बैकग्राउंड पीएनजी है वो मैंने ऐड करके, आपको बाहर आ जाना है, ओपन करना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, आपको जस्ट यहाँ से आगे जाना है, यहाँ पर आपको आ जाना है। ओके, यहाँ से आपको ये जितने भी लेयर बंद है आपको क्लिक करके इनको ऑन कर देना है, इस तरीके से ऑन कर देंगे ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। इनको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से दबा के रखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, ठीक है, टोटल आपको ये 7 लेयर मिल जाएगी। बीच में क्लिक करना है और आपको कॉपी 7 लेयर, कॉपी 7 लेयर पे क्लिक करना है, ऊपर क्लिक करके आगे आ जाएंगे, ओपन करेंगे सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को, और ये जो बीट आ रही है ये वाली रेड वाली, इस पर आपको आ जाना है फर्स्ट में, और आपको यहाँ पर बीच में क्लिक करना है पेस्ट 7 लेयर, 7 लेयर पे आपको जस्ट क्लिक देना है, सारी जो लेयर है वो आपकी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, और आपका जो स्टेटस है देखिए काफ़ी लुक ही चेंज हो चुका है। ओके, यहाँ पर ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगी, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो हमने लिरिक्स ऐड करके इसमें इफेक्ट डालने के लिए आपको बाहर आ जाना है, ओपन करना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल मिलेगी ये वाले, इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ओपन करेंगे सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को, नीचे स्क्रॉल करके आगे जाएंगे, लिरिक्स पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, दूसरे लिरिक्स पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। यहाँ पर जितने भी लिरिक्स हमारी आने वाली उन टोटल लिरिक्स पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इफेक्ट को आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी लिरिक्स पर इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो स्टेटस वो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली एडिट हो जाएगा। टोटल लिरिक्स में आपको फोन मतलब जो इफेक्ट को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपका काम यहाँ पर हो चुका है, फोटो में इफेक्ट डालने के लिए बाहर आ जाएंगे, ओपन करेंगे सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, पहले जो सबसे फर्स्ट में फोटो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट करना है, बाहर आ जाना है, ओपन करना है सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को, और जहाँ से आपकी फोटो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आपको सिंपल से आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट वाली फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, दूसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, तीसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, चौथे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डबल बीट आ रही है, तो अब आपको इस इफेक्ट का यूज नहीं करना है, आपको बाहर आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, दूसरा जो फोटो आपका ये वाला है इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी इफेक्ट आप करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ओपन करेंगे सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को, जहाँ से हमारी डबल बीट आ रही है यहाँ पर आपको सिंपल से आ जाना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, फर्स्ट वाली फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, दूसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इन दोनों फोटो पर इफेक्ट को डालने के बाद यहाँ पर वापस डबल बीट आ जाएगी, तो यहाँ पर 1, 2, 3 फोटो आ रहे हैं, उसके बाद वापस डबल बीट है, तो इन तीनों फोटो को छोड़ देंगे, वापस जो डबल बीट आ रही है यहाँ पर हमारे वापस जो फोटो आने वाले इस पर आपको क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। वापस यहाँ पर दो फोटो आएंगे, दोनों फोटो पर इफेक्ट को डाल देंगे, वापस हमारे यहाँ पर डबल बीट आ जाएगी और तीन फोटो को आएंगे, इनको छोड़ देंगे, वापस हमारे यहाँ पर आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तीन फोटो आने वाले, तो इन तीन फोटो पर आपको वापस सेम इफेक्ट को डाल देना है। ओके, डाल दिया, डालने के बाद वापस डबल बीट आ जाएगी, तो 1, 2, 3 इन तीनों को छोड़ेंगे, वापस आगे दो फोटो आएंगे, तो इन दोनों फोटो पर इफेक्ट को वापस आपको इसी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद लास्ट में आपको 1, 2, 3 फोटो आएंगे, इनको छोड़ देंगे, अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है, ओपन करना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, अब आपको यहाँ पर ये वाला फोटो मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट करना है, बाहर आ जाना है, ओपन करना है सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को। ओके, यहाँ पर आपको आगे जाना है, यहाँ पर आपको आ जाना है सिंपल से जो हमारी डबल बीट आने वाली है फर्स्ट में, आपको आ जाना है 11:20 पर, इन दोनों पर डाल दिया, 11:20 पे आ जाएंगे, यहाँ से लेकर अब जितने भी हमने यानी कि अब जितने भी हमने फोटो छोड़ दिए थे उन सभी फोटो पर अब आपको इसी इफेक्ट को डालना है। ओके, यहाँ पर इन तीनों फोटो पर डालेंगे, तो क्लिक करना है फोटो पर, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रीलाइन पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोटो इस पर डाल देंगे, उस बात ये दोनों कंप्लीट है, वापस इन तीनों पर डाल देंगे, वापस 1, 2, 3 इन तीनों पर डाल देंगे, वापस 1, 2, 3 इन तीनों पर डाल देंगे, और आपका जो स्टेटस है वो पूरा कंप्लीट एडिट हो जाएगा। ओके, स्टेटस पूरा कंप्लीट एडिट होने के बाद जस्ट आपको ऊपर सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करके